आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही डीपली आपसे कनेक्टेड है और आपकी आदतों के साथ उससे मिलने वाले फायदे से। मैं बात आपकी आदतों की नहीं, मैं बात उससे मिलने वाले फायदे की बात कर रहा हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके पास लगभग बहुत सारे दोस्त होंगे और हर दोस्त के पास कुछ न कुछ बातें ऐसी कॉमन होती होगी जिसमें उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता होगा, चाहे वो कोई नई मूवी रिलीज होने वाली उससे लेके, या फिर क्रिकेट से लेके, या फिर किसी गेम से लेके, या फिर किसी फ़ोन के फंक्शन से लेके, या फिर वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और जिसके बारे में वो इंसान 24 घंटा आपसे बातें करता रहता हो, या फिर जब भी वो आपसे मिले वो उसी के बारे में बातें करना शुरू कर देता हो, या फिर दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि उसे उसी तरह की बातें या फिर उसी टॉपिक पर बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो उसमें माहिर है। और साथ साथ आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी खूबी होगी, या फिर कोई टीवी सीरियल हो गया, या फिर कोई मूवी हो गया, या फिर कोई डिश से लेके, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, या फिर जिस टॉपिक पे आपको बहुत मन लगता हो। लेकिन मैं दार बात ये है कि उन आदतों से आपको फ़ायदा क्या है। आपने ध्यान दिया होगा कि जिन चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, आप उस चीज़ को किसी को समझाने में, किसी को बताने में ईजिली बहुत ज़्यादा माहिर होते होगे। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है और वो टॉपिक क्या है आप मुझसे बेहतर खुद से पूछ सकते हो और खुद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कोई चीज़ के बारे में आपसे पूछता है तो आप उस चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हो, अच्छे से बता सकते हो और वो आपके आप उस फील्ड में बिल्कुल भी माहिर हो। इस बात से ये तो क्लियर हो गया कि जिस चीज़ में हमारा टॉपिक, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है वो टॉपिक हमारा फेवरेट है, और साथ ही साथ अगर वो टॉपिक आपका फेवरेट है तो आप उसमें माहिर हो। इसीलिए सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किस किस फील्ड में मेहनत कर रहे हो, इस बात पर निर्भर करती है कि आपका सपना क्या है या फिर आप किस चीज़ में माहिर हो, आपका इंटरेस्ट किस में। अब आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो और आप कुछ और करने की कोशिश करो तो आप उस काम में बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर सकते या फिर आपका उसमें मन ही नहीं लगेगा। इसलिए आज हम आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को अप्लाई करके कुछ नया सीखोगे, कुछ नया पाओगे। सबसे पहले चीज़, रिसर्च करो, अकेले में बैठो, इस बात को ढूंढो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो फिर उस बात को फिर से सोचो कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हो। अगर कुछ मिल जाए तो फिर उस पर इस बात पर दोबारा पॉइंट ये सोचना कि हमें आखिर ये काम क्यों करना है, इस काम को करने से क्या फ़ायदा है और इस काम में क्या क्या रिस्क हो सकता है और इस काम में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और ये काम हमें किस हद तक हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। जब आपका वाई क्लियर हो जाए तो फिर तीसरा स्टेप बढ़ाए। तीसरी स्टेप ये होगी कि आप उस काम के बारे में नॉलेज लें, उस काम के बारे में सीखें। कुछ भी हो सकता है कि आप उस काम में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या फिर साथ ही साथ आप उस काम को करके लोगों की कितनी मदद कर सकते हो। अगर आपको उसका जवाब मिल जाए तो उस काम से लोगों को क्या फ़ायदा है या फिर आप इस दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हो, इस दुनिया को या फिर इन लोगों को क्या प्रॉफिट है। उसके बाद अगला स्टेप बनाना प्लानिंग का। वो प्लानिंग ये होगा कि आपको इस काम में किस तरह से करना है, क्या क्या इसमें आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी और साथ ही साथ इसमें किस तरह के रूल अप्लाई होंगे। इन सारी चीज़ों को डिटेल बना के अगर फिर भी आपको ये लगे कि ये काम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर कोई आपका सपना हो, या फिर कोई गोल हो, या फिर कोई वो चीज़ जो आप पाना चाहते हो, या फिर वो काम जो आप करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, अगर इन तीनों कामों करने के बाद भी आपको ये लगे चौथे स्टेप में ये आपका बिल्कुल भी सही है, प्लान भी सही है, उसके बाद आप उस पर आगे बढ़ना शुरू कर दो। फिर दुनिया की कोई भी ताकत, अगर इन चारों सवालों को जवाब आपको अच्छे से मिल चुका है और आप उस बात पे बिल्कुल भी क्लियर कर चुके हो, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए कभी पीछे मत हटना और उस पर दिन रात तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक आप वो चीज़ को पा ना लो। क्योंकि जब आप इन चारों सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं फिर आपको आगे बढ़ने से रोकना ये सिर्फ सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी होगी और सिर्फ सिर्फ आपकी नासमझी होगी। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी समझाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अगर आप वो बात आपके लिए पॉजिटिव है तभी उस पर ध्यान दें। दिन रात 24 घंटा जब टाइम मिले सिर्फ उसी के ऊपर काम करें और उसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी बना लें और उसी में काम करें और उसके साथ साथ किसी और चीज़ पर फोकस न करें, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और समझदार बात यह है कि जो लोग नीट 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मजेदार बात यह है कि आप जैसा कि जानते हैं अनकैडमी चैंपियन लीग चल रही है और साथ ही साथ ये स्पीच टेस्ट सीरीज में आपको स्पेशल रूप से अनकैडमी एमबीएस लीग जो पिछले बार नवंबर 22 से चल रही है तो इसका दूसरा टेस्ट सीरीज आपको 6 दिसंबर को दोपहर के 2 बजे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके फ्री में एनरोल कर सकते हैं। इसमें 20 टेस्ट हैं और जो डेवलप किए गए टॉप एजुकेटर के द्वारा और बिल्कुल डेप्थ गहराई में रिसर्च करने के बाद ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। लाइक सौरभ शर्मा एंड आनंद मणि इसमें आल्सो इंक्लूडेड हैं जिन्होंने इसको एनालाइज करके इस टेस्ट सीरीज को बनाया है। इसलिए 6 दिसंबर को दोपहर के 2 बजे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ आपने अभी तक इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेंगे, वहाँ पे आपके लिए बहुत मजेदार बातें हैं जिससे आप सीख के अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। थैंक यू सो मच।